जेई के जाल में फंसा दलाल पहुंच गया सलाखों के पीछे। आपको बता दें कि मामला महाराजगंज जनपद का है। गरीबों को बनाकर दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर दलाली सामने आ रही है। आवास पास कराने के नाम पर अवैध वसूली का एक मामला जनपद में हाईलाइट हो गया है। पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धांधली करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में अपने इस धंधे में अन्य साथियों का नाम भी खुलासा किया है। मैं लोगों का आवाज ही बताऊँ, लेकिन वो उनको नहीं मांग था कि अभी बड़ा काम करते हैं। हम भी तो मेहर बनाते थे कि जाओ तुम पैसा वसूल करके जाओ। सर मैंने पता करने का प्रयास किया था, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कराता हूँ, मैं चूली विभाग से हूँ। तो मैं सर मुझे मेरे को पता नहीं चाहता था कि वो विभाग है कि नहीं सर। अब तक कितने लोगों से पैसा ले? जैसे सर कदम सर 30 से 40 दिन का है। कितने साल से हैं इसमें काम कर रहे हैं? इसमें सर जैसे 2019 से मैं सर हम लोग किए थे। क्या नाम है आपका? मेरा सर संजय मतिसिया नाम सर, मैं कमू पकड़ कर रहा हूँ। आपको बता दें कि आरोपी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से 5-5 हजार रुपया घूस लिया था। इतना ही नहीं, गिरफ्तार आरोपी डूडा अधिकारी कर्मचारियों के नाम बताकर ठगी करता था। जब उसने डूडा के एक इंजीनियर से ठगी करने की कोशिश की तो मामला सामने आ गया, वह धरा गया। डूडा के जे अरविंद के फोन पर ठगों ने प्रधानमंत्री आवास अलाट होने का मैसेज भेजा। आवास के नाम पर ठगों ने फोन करके जेई से 35 हजार की डिमांड रख दी। मैसेज और पैसों के फोन कॉल से जेई भौचक्के रह गए। फिर उन्होंने गिरोह का वंडा फोड़ कर फैसला किया। फोन कॉल के जवाब में अरविंद कुमार ने पैसा देने के लिए डूडा के कार्यालय बुलाया और दलाल पैसा लेने जेई अरविंद कुमार के पास चला भी गया। बस क्या था, दलाल को डूडा के अन्य साथियों की मदद से पकड़ लिया गया। सर हमें परसों रात में एक अननोन नंबर से मैसेज आया, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का एक फॉर्म था, उसमें लिखा हुआ था हमारा सूडा से डायरेक्ट लिंक है, आप अपना आधार कार्ड दीजिए और कुछ रकम है उसे दीजिए, हम एक महीने में आवास आपको दिला देंगे। तो हमने बोला सर हमारे पास अकाउंट में नहीं है, मैं अकाउंट में नहीं भेज सकता, आप आकर के हमसे कैश ले लीजिए। मैंने वही कैश देने के बहाने मैं इनको इनसे मिला हूँ और पकड़ा हूँ। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। किसमें है? डूडा सर, जी महाराज। आरोपियों के साथ 4 लोग और शामिल हैं जो लाभार्थियों को ठगते थे। अपर SDM ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। बाकी उसके अन्य साथी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज एक लोग पकड़े गए हैं, संजय मधेसिया, और उन्होंने ये बताया कि 4 लोगों का गैंग हमारा है। विनोद हैं, राकेश हैं, गुलशन हैं। मेन बताया कि विनोद हैं, और आज हमारे आश्चर्य मानिए कि हमारे कर्मचारी से ही पैसा मांगने आ गए डूडा के। तो फिर वो यहाँ तक आ गए, ऑफिस के पास तक आ गए, तब पकड़ में आ गए ये गिरोह, और उनको पकड़ के थाने में दिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ये किसका पैसा मांग रहे थे? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ चलती है डूडा में, उसी में अवैध पैसा मांग रहे थे ये लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जमकर धांधली हो रही है। लाभार्थियों को आवास दिलाने के लिए ठग सक्रिय हो गए हैं। वे संबंधित विभागों के आसपास चक्कर लगाते हैं, जब भी कोई पात्र लाभार्थी उन्हें दिखता है तो उसे पकड़ जल्दी मकान दिलाने की बात करते हैं। लाभार्थियों को इतना डरा देते हैं कि वो इनके चंगुल में फंस जाता है। जब लाभार्थियों की इनकी बातों में आ जाता है तो 5 से 10 हजार रुपये मामला में सेट करते हैं, ये रकम उनसे पहले ही ले लेते हैं। अपर SDM मदन मोहन वर्मा ने बताया कि इस गिरोह में 4 लोग शामिल हैं जो अब तक करीब 30 से 35 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के नाम पर चूना लगा चुके हैं। इस गिरोह के एक सदस्य को आज पकड़ लिया गया है, इसके 3 अन्य साथियों की डिटेल पुलिस को दी गई है। सदर कोतवाली अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी संजय मधेसिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अन्य 3 जलसाजों की तलाश पुलिस कर रही है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।